सीरियल अनुपमा में अनुपमा के नए अंदाज को देखकर घर में काफी तमाशा होने वाला है। जी हां दोस्तों, अनुपमा के लौटते ही बहुत बड़ा तूफान शो में देखने को मिलेगा। यहां पर अनुपमा के नए लुक और नए अवतार से मोहल्ले वाले तो देखते ही उसे शॉक्ड रह जाएंगे कि ये अनुपमा ही है। सब देखने के लिए अनुपमा के पीछे पीछे आ जाएंगे और अनुपमा की बातें बनाना पीछे से शुरू कर देते हैं। वही अनुज उसको छोड़ने के लिए भी आता है और बा उन दोनों पर ही भड़क जाती है और बा इस तरह से भड़कती है कि सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं। अनुपमा को देखकर घर वालों के तो होश उड़ते ही वनराज और काव्या भी देखकर अपने होश खो देते हैं और अनुपमा को देखकर यहाँ पर बा भड़क जाती है क्योंकि बा यहाँ पर कॉलोनी वाले उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि लो पहले तो बेटे ने दूसरी शादी कर ली, अब शायद बहू भी उसके ही नक्शे कदम पर चल रही है और अनुपमा के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं। तो बा भी कह देती है कि अब करना क्या बाकी रह गया, अब क्या करने के लिए यहाँ आई है, ऐसा कर तो उसी के साथ चली जा, अगर वहां पर इतना सब कुछ एक दिन में बदल जाता है तो तू ऐसा कर कि हमेशा के लिए यहाँ से चली जा और उसी के साथ चली जा। और अनुज ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। अनुज काफी कंट्रोल करता है अपने आप को कि वो कुछ ना बोले, लेकिन बा की बदतमीजी यानी कि उसके ताने कम नहीं होते हैं। बाबूजी से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बार बा का गुस्सा इस तरह से फूटता है कि कोई किसी से कंट्रोल नहीं होता और अनुपमा पर वो बरस पड़ती है कि अब हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि पहले तो इस तरह से। फिर बा इस तरह से कहती है कि जिस तरह से कि अनुपमा इस घर की कुछ नहीं लगती और उसने इस परिवार के लिए कुछ नहीं किया और उसको ताने कसती है बहुत बुरी तरह से और कह देती है कि अपने आसिक के साथ ही चली जाओ। और ये सुनकर अनुपमा शॉक्ड हो जाती है और महापूज जी बहुत बुरी तरह से चिल्ला देते हैं कि बस बहुत हो गया, जो भी बदतमीजी है यहाँ पर अनुपमा के बारे में जो भी बकवास की जा रही है, अगर वो अपने तरीके से एक दिन क्या जिंदगी क्या बदल ली, एक तरीके अपने तरीके से क्या जीना शुरू कर दिया, तुम लोगों को बहुत खटकने लगी, अब तक जब तक वो तुम्हारी बातों तुम्हारी इशारों पर चल रही थी तब तक बिल्कुल ठीक था। अनुपमा की ये अनुपमा का साथ देते नजर आएंगे बापू जी और कहेंगे कि जिस दिन इसे साथ जाना होगा अनुज के साथ तो उस दिन वो चली भी जाएगी। और यहाँ पर अनुज एक बार के लिए तो कुछ नहीं कहता है क्योंकि बाकी बात बापू जी संभाल लेते हैं, लेकिन अनुपमा भी अब यहाँ पर कह देती है कि अगर मुझे जिंदगी में कहीं लगाना मुझे किसी का साथ चाहिए तो मैं जरूर उसका हाथ थामूंगी और अगर अनुज के दिल में भी कुछ हुआ तो हम जरूर अपनी जिंदगी के बारे में आगे जरूर सोचेंगे, लेकिन अगर क्या मैंने अपने अपने पसंद से अगर कपड़े भी पहन लिए तो भी आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, समाज क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, जो भी कहता है उसके बारे में आप उसके बारे में सोचकर आप मुझे कुछ भी कहेंगी। और बापूजी भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं और बा की बोलती बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन बा बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है और उसका नतीजा खामियाजा आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।